हेलो एवरीवन, कैसे बच्चे? मजा आ रहा है? चलो हम पहुंच चुके इस समय लेक्चर नंबर 11 पे। ठीक है, मेरा प्यारा सा चैनल, इनफैक्ट आपका प्यारा सा चैनल है, आप इसे प्यारा बना सकते हैं, ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस समय महाराष्ट्र बोर्ड में जो चैप्टर है बच्चे, हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 10 है, और मैं पहुंच चुका हूँ लेक्चर नंबर 11 पे। आज हमारा कंटेंट होने वाला है SN2 मैकेनिज्म। SN2 जो मैकेनिज्म है बच्चे, उसके अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। मतलब ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड SN2 के नाम से क्वेश्चन बनेगा। तो जितनी पॉसिबिलिटीज होंगे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के, वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला जो फेमस क्वेश्चन होता है वो होता है कि भाई एक्सप्लेन SN2 मैकेनिज्म, या फिर ऐसा हो सकता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, या फिर एकदम अलग ही टाइप का क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म इन विच 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये तीन मैंने प्रोसेस लिखा हुआ है, तीन क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके लिए। और आपको पता होगा कि ये SN2 जो होता है एग्जैक्टली क्या होता है। सबसे पहले जो यही है कि भाई अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल की जगह पे इथाइल भी आ सकता है, पैटर्न सेम होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल टेक्स्ट बुक में मिथाइल दिया तो मैं उसी पैटर्न को फॉलो करके चल रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्राइमरी नेचर होना चाहिए। ऑन एन एवरेज मैं बोलूंगा तो SN2 में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना बहुत जरूरी है, उसी में SN2 मैकेनिज्म होता है। क्लियर है? चलो, तो अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये SN2 क्या है। तो शुरुआत ही बच्चे वहीं से करना है कि SN2 का फुल फॉर्म पहले बताना है। हालांकि इस फुल फॉर्म बताने पे कोई मार्क्स नहीं है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आप थोड़ा सा बोलते हैं ना एग्जामिनर को, थोड़ा सा मक्खन लगा रहे, थोड़ा सा आप इंप्रेशन सेट कर रहे हो कि भाई मेरा क्वेश्चन पेपर जरा तो पढ़ के चेक करना, क्योंकि मेरा क्वेश्चन पेपर जो मैं आंसर शीट लिखने वाला हूँ या जो मैं आंसर लिखने वाला हूँ कोई फालतू आंसर नहीं है। तो थोड़ा सा आप इंप्रेशन सेट करेंगे कैसे, द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड फॉलोज SN2 मैकेनिज्म वेयर S इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन, N इक्वल टू न्यूक्लियोफाइल, 2 इक्वल टू बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बच्चे इतने पे कोई मार्क्स नहीं है बोर्ड की तरफ से, लेकिन आपने क्या किया, एग्जामिनर के माइंड में एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया है कि भाई आगे का क्वेश्चन उसको जो भी आंसर उसको पढ़ के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होने वाला है, ये जो आंसर है बच्चे मेजरली 3 से 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, जो पहला टॉपिक होने वाला है ए, आपने यहां पे लिखा होगा, वो है रिएक्शन। तो आपको मैं ये जो दिख रहा है बच्चे गैप, यहां पे ये जो गैप दिख रहा है ना, इस गैप में मैं आपको सारा एक्सप्लेनेशन दूंगा और इरेज करके कंटिन्यू करूंगा इसके अंदर ही में। तो जो सबसे पहला जो आपका पॉइंट होने वाला है वो है नंबर ए, और ए क्या है बच्चे, रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होता है इसके अंदर कि आप लेते हो मिथाइल ब्रोमाइड और आप इसमें न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, बेसिकली NaOH का Na प्लस है और OH माइनस है, तो ये OH क्या है आपका, OH क्या है बच्चे माइनस, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि ये माइनस चार्ज है। अब यहां से Br बाहर चला गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, OH आ गया, तो कुछ आंसर आपका ऐसा बन जाएगा और ये Br माइनस बाहर चला गया। तो इसका थियोरी आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना होगा, वेन मिथाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विथ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस इट गिव्स मिथाइल अल्कोहल, और उसके बाद ये रिएक्शन दिखा देंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके अंदर OH को मैं बोलता हूँ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और Br को बोलता हूँ मैं लिविंग न्यूक्लियोफाइल। तो ये मेरा रिएक्शन है बच्चे, इसी रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म सीखने वाला हूँ, इसी रिएक्शन का मैं क्या सीखने वाला हूँ बच्चे, मैकेनिज्म सीखने वाला हूँ, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नंबर बी वाले पार्ट पे, जिसका नाम है काइनेटिक एक्सप्रेशन। बच्चे जैसे बोर्ड में लिख रहे हैं मैंने वैसे पूरा सेट किया हुआ है आपके लिए, एक एक चीज को समझाते चलता हूँ, बहुत ईजी है, समझने वाला पड़ेगा सर क्या मैकेनिज्म था, ये कुछ नहीं था, समझ में आ गया, अब तो मैं खुद से लिखूंगा, लेकिन किस पॉइंट्स में लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे दिया हुआ आपको। तो नंबर बी है बच्चे काइनेटिक एक्सप्रेशन, मतलब कि जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है मिथाइल ब्रोमाइड का, तो वो SN2 को ही फॉलो क्यों करता है। कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क क्वेश्चन बनता है, व्हाई अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड फॉलोज SN2 मैकेनिज्म ओनली, क्यों SN2 करता है भाई, SN1 क्यों नहीं करता है, या E1 क्यों नहीं करता है, EN1 क्यों नहीं करता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं रिएक्शन के, तो वो सब क्यों नहीं करते, SN2 को ही क्यों करता है, तो उसका लॉजिक आपको नंबर बी में मिलेगा। मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, मैं एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो एग्जांपल मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपने क्या किया, ये बीकर ले लिया, इस बीकर में आपने अप्रॉक्सीमेटली 50 ml पानी लिया बच्चे। ठीक है, एक एक चीज को समझो अच्छे से। और दूसरा जो कंपाउंड आपने लिया, कंपाउंड ए है आपके लिए, और दूसरा जो कंपाउंड लिया है वो आपने लिया है अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम नमक सॉल्ट, और इस सॉल्ट को आपने इसके अंदर मिला दिया 1/2 लीटर पानी में बेसिकली। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि इसका जो मिक्सचर है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है, मतलब सॉल्टी वाटर बन चुका है।
तो मैं अब इसको लिख देता हूँ कि भाई ये, अब ये ए प्लस बी बन चुका है, ये बी है मेरा, इस समय ये ए प्लस बी बन चुका है, सॉल्टी वाटर बन चुका है। तो अगर मैं बोलूँ कि चलो इसको टेस्ट करके बताओ इसका टेस्ट कैसा आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर सॉल्टी टेस्ट आ रहा है। कैसा टेस्ट आ रहा है? सॉल्टी टेस्ट आ रहा है। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे दो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड है। एक तो सॉल्टी टेस्ट आ रहा है मतलब वो सॉल्ट के ऊपर डिपेंड है, और लिक्विड स्टेट में है इसका मतलब कि वाटर के ऊपर डिपेंड है। आ रहा समझ में? चीजों को रिलेट करो। तो SN2 मैकेनिज्म मतलब कि जो यहाँ पे जो अल्कलाइन हाइड्रोजन और मिथाइल ब्रोमाइड होता है उसका भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है मतलब रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा, उसका ये पैटर्न जनरली दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आ रहा समझ में? जैसे यहाँ पे हुआ कि भाई प्रोडक्ट जो है मेरा वो दोनों के ऊपर डिपेंड हुआ, तो आप क्या बोलेंगे कि इसका जो थ्योरी होने वाला कुछ इस तरह से होगा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट दैट इज CH3Br एंड OH माइनस। कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, तो इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल से तो इक्वल कॉन्स्टेंट आएगा, जहां पे K का मतलब होता है स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट, चलेगा। तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड है? दो के ऊपर डिपेंड है। इसलिए हम बोलेंगे कि भाई अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, इसीलिए ये SN2 मैकेनिज्म है। क्लियर है? बहुत से लोगों को डाउट है कि सर आप कोई भी एग्जांपल ले लो हमेशा दोनों के ऊपर ही डिपेंड होने वाले हैं। दिखाता हूं मैं आपको दूसरा एग्जांपल, ठीक है? दूसरा एग्जांपल जो मैं दूंगा वो SN1 के लिए फॉलो करेंगे, तो मैं यहीं पर बता देता हूं दूसरा एग्जांपल, जरा ध्यान देना। दूसरा एग्जांपल जो है वो मैंने क्या किया, आपके घर में बच्चे पानी की टाकी होगी ना, कितने लीटर की होती है? 500 लीटर, 1000 लीटर, चलो हम 1000 वाला कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो क्या होने वाला है जरा देख लेते हैं। तो मैंने क्या कंसीडर किया कि भाई यहाँ पे ये बड़ा टाकी लिया है मैंने, और इसके अंदर पानी कितना है बच्चा? 1000 लीटर है, ml नहीं, 1000 लीटर इस बार लिया है मैंने, 1000 लीटर पानी है इसके अंदर। और नमक ये मैंने A लिया हुआ है, और दूसरा जो कंपाउंड है मेरा B वो 10 ग्राम नमक अभी भी मैंने वही लिया है, नंबर B वाला पार्ट। अब इस 10 ग्राम नमक को मैंने क्या किया इसके अंदर मिला दिया, अभी भी बच्चा सॉल्टी वाटर बन रहा है। आप नहीं बोल सकते कि सर सॉल्टी वाटर नहीं बना, अभी भी सॉल्टी वाटर बन रहा है, लेकिन इसका टेस्ट क्या सॉल्टी वाटर जैसा आएगा? नहीं आएगा। मतलब कि इसका A प्लस B का जो प्रोडक्ट होगा वो पूरी तरह से सिर्फ A के ऊपर डिपेंड है। बच्चे किसके ऊपर डिपेंड है? सिर्फ और सिर्फ A के ऊपर ही डिपेंड है, चलेगा? ये सिर्फ A के ऊपर डिपेंड है। अगर ऐसा आपको नजर आ रहा है इसका मतलब ये SN1 का एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा आप रिलेट कर सकते हो कि वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए हम उसको SN1 बोलते हैं। तो हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल मेरे ख्याल से आपको एक आइडिया मिल चुका है कि कैसे SN1 SN2 यहाँ पे जनरली मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको रिलेट कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको जरा मैं हटा देता हूँ। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पॉइंट नंबर A पॉइंट नंबर B एकदम क्लियर है, और आपका इसी तरह से कम 1.5 मार्क का काम भी हो चुका है। कभी कभी यहाँ तक तो 2 मार्क के लिए भी पूछा जाता है कि भाई व्हाई दिस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, तो आपको यहाँ तक दिखाएंगे 2 मार्क मिल जाएंगे सीधा, यहाँ से चालू करो यहाँ पे खत्म कर दो, 2 मार्क क्लियर है। और अगर पूरे मैकेनिज्म में पूछा गया तब ये 1.5 मार्क का आएगा। अब बचे हुए 1.5 मार्क के लिए यहाँ पे लड़ाई होने वाली है, क्योंकि जनरली ये 3 मार्क का क्वेश्चन होता है या कभी कभी 4 मार्क का होता है, तब इसके अंदर सी के बाद एक डी पॉइंट भी आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अब नंबर सी क्या है? मैकेनिज्म, मतलब यहाँ से मैकेनिज्म स्टार्ट होने वाला है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जो बहुत जरूरी है, देख लो यहाँ पे SN2 और SN1, ध्यान रखना बच्चे, जब आप SN2 बोलेंगे तो याद रखना है कि 2 है, तो इसका मतलब ये 1 स्टेप वाला रिएक्शन है, और जब आप SN1 बोलेंगे तो याद रखना है कि बच्चे ये 2 स्टेप वाला रिएक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको पता होनी चाहिए। तो SN2 बोल रहा हूं मतलब इसको कितने स्टेप वाला रिएक्शन है? 1 स्टेप वाला रिएक्शन है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि भाई दिस इज अ 1 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब कि जो SN2 से मैं डील कर रहा हूं, तो कितने स्टेप वाला मैकेनिज्म है? एक ही स्टेप वाला मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप इसके अंदर होने वाला है। कौन सा स्टेप है आपको यहां समझा रहा हूं, तो ये थियरी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। जरा ध्यान देना, यहां पे होता क्या है, ये रहा आपके पास कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, इस तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, ये रहा ब्रोमाइड, मतलब ये मिथाइल ब्रोमाइड को मैंने थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में लिख दिया मैंने, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आप ये ऐसे स्ट्रक्चर देख के, और ये रहा OH माइनस। अब होता क्या है कि भाई यहां पे मिथाइल ब्रोमाइड, जो मिथाइल है बच्चे, जो ब्रोमाइड है सबसे पहले वो है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला,
तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा माइनस निगेटिव और ये बन जाएगा बेसिकली माइनस डेल्टा, बन जाएगा ये बन जाएगा प्लस डेल्टा। क्लियर, पोलारिटी होती है, आपने पढ़ा था नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में कि भाई इनके अंदर पोलारिटी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी में। अब ये हो गया माइनस चार्ज, ये हो गया प्लस चार्ज, तो माइनस होने की वजह से ये OH बेचारा फंस गया, सामने से अटैक नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं अटैक कर पा रहा है? क्योंकि बच्चे सामने तो माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज माइनस चार्ज क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस OH के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। आप बोलेंगे सर OH को इतनी जल्दी क्या पड़ी है, OH को निकल BR निकल जाएगा फिर उसके बाद OH आएगा। ये भी बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर BR निकल जाता है तब अगर OH आता है तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो आंसर होगा नो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वो भी मैं दिखाता हूं। जब ये BR बच्चे निकलेगा तो उस समय के लिए ये जो CH3 होगा वो प्लस बन जाएगा, और आपको मैं बता दूं CH3 प्लस मतलब मिथाइल कार्बोकेटाइन सबसे बड़ा अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये BR को रिलीज नहीं करेगा। पिक्चर क्लियर हुआ? BR क्यों जाने के लिए रेडी नहीं है? दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो OH होता है, ये जो OH होता है, ये बच्चे एक तरह से आप बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये कोई एक्वस वाला नहीं है कि आपने इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट मैं यूज करता हूं उसका नाम होने वाला है यहां पे पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज करूंगा मैं? पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज करूंगा? वापस से बोल रहा हूं मैं, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक मतलब जिसमें प्रोटॉन होता है, जिसमें एक्वस सॉल्यूशन होता है, लेकिन अप्रोटिक मतलब बिना एक्वस सॉल्यूशन वाला, लाइक एसीटोन हो गया आपका, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड। तो पोलार अप्रोटिक करता क्या है बच्चे? पोलार अप्रोटिक यहां पे फिलहाल कुछ नहीं करेगा, मैं आपको दिखाता हूं पोलार अप्रोटिक क्या करता है। जनरली जैसे मैंने ले लिया एसीटोन, जरा ध्यान देना यहां पे, पोलार अप्रोटिक मेरा एसीटोन होता है। अब ये हो गया मेरा माइनस और ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस, चलेगा। अब ये NaOH, जरा ध्यान देना, NaOH जब टूटता है तो बच्चे ये माइनस बन जाता है और ये प्लस बन जाता है, तो ये जो प्लस वाला पार्ट है इसको ही ये O क्या करेगा, पकड़ के रख लेगा। मतलब ये Na को ये O क्या करेगा, पकड़ के रख लेगा। तो मतलब NaOH का जो Na होता है बच्चे इस पोलार अप्रोटिक के पास होता है, और OH जो एकदम एक्साइटेड है, मैं रुक नहीं सकता हूं। BR बोल रहा है नहीं मैं बाहर नहीं निकलूंगा, फिर भी OH बोल रहा है नहीं मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं बच्चे, मैं एकदम एक्साइटेड हूं। तो अब ये OH जो है इतना एक्साइटेड है कि वो वेट नहीं कर रहा है कि BR का निकल जाए, क्योंकि BR ऐसे भी निकलेगा नहीं, क्योंकि CH3 निकलने नहीं दे रहा है। CH3 क्यों नहीं निकलने दे रहा है? क्योंकि बच्चे CH3 जो है जब BR निकल जाएगा तो CH3 सबसे बड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए CH3 BR को निकलने नहीं दे रहा है। और OH यहां पे एकदम फ्री है, OH को किसी ने पकड़ा ही नहीं है। यहाँ पे NaOH में से आप देख रहे हो कि Na को पकड़ने के लिए आपने पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया हुआ, लेकिन OH को कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो OH एकदम फ्री है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि भाई ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कॉमन सी बात है ये वेट नहीं करेगा, जब ये वेट नहीं करेगा तब ये क्या करेगा, तब बच्चे ये उस साइड से अटैक करेगा जहां पे BR की पहुंच नहीं है, पीछे से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा? पीछे से अटैक करेगा। पीछे से अटैक करते समय जब ये पीछे से अटैक करने जाएगा तो ऐसा नहीं तुरंत ही अटैक कर देगा, नहीं, जैसे ये पीछे से अटैक करने जाएगा तो एक सिचुएशन क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, मतलब जहां पे सी और OH का बॉन्ड जुड़ना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे सी और BR का बॉन्ड टूटना स्टार्ट होता है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड और फ्यूजन या ब्रेकिंग ऑफ CBR बॉन्ड टेकिंग साइमल्टेनियसली, बेसिकली टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ये दोनों चीज क्या होती है, साथ साथ चलती है, चलेगा। तो ये पूरे पिक्चर क्लियर हो गए बच्चे। BR क्या है आपका? नेगेटिव चार्ज है। मिथाइल क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। OH माइनस क्या है? वो भी नेगेटिव चार्ज है। जब ये OH माइनस नेगेटिव चार्ज है तो कॉमन सी बात है कि ये क्या करेगा, सामने से अटैक करना चाहेगा, लेकिन सामने कौन है? BR है। रिपल्शन होगा तो OH मजबूरी में कहां जाएगा? अवे फ्रॉम द ब्रोमीन एटम, या साइड अवे फ्रॉम द ब्रोमीन एटम। और जब ये पीछे जाकर अटैक करेगा तब क्या बनाएगा? ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। मैं आपको दिखाता हूं ट्रांजिशन स्टेट कैसा होता है, ठीक है। तो इसका जरा मैं रिएक्शन दिखा देता हूं आपको कि ये हुआ क्या, ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके अंदर मैकेनिज्म में, अब मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं कि इसमें होता क्या है। तो ये देखो जरा, ये हो गया आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड और इसमें OH माइनस अटैक करेगा। जैसे OH माइनस अटैक करेगा बच्चे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कैसे बनता है देखो जरा, यहाँ पे HOH डॉट डॉट दिख रहा है आपको, ये डॉट डॉट का मतलब है कि बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, और ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि भाई बॉन्ड का टूटना स्टार्ट हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे हो गया माइनस चार्ज, ये भी माइनस चार्ज होता है, मतलब एक ये एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे दोनों के पास इक्वल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल बेसिकली ऑन बोथ द आयन, चाहे वो OH हो चाहे वो BR हो। और इस केस में द ब्रेकिंग ऑफ CBR बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड बेसिकली टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, तो ये दोनों साथ साथ भी चल रहे हैं। आ रहा समझ में? सारी चीजें क्लियर हो रही है एकदम। अब इसके बाद क्या होगा बच्चे? ऑब्वियस ये वाला बॉन्ड टूटेगा,
जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तब क्या बन गया, OH, और ये मैं यहां पे लिख देता हूं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हर एक चीज आ रही होगी, ऐसा ना हो कि कुछ कट जाए जिससे आप समझ ना सके। ठीक है, मैं थोड़ा सा जरा ऊपर लिखता हूं, शायद कुछ कट रहा होगा। तो यहां तो क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं जरा सा ऊपर लिखता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, देख लो जरा यहां पे, जब ये यहां से टूट जाएगा बच्चे तो ये क्या बन जाएगा, देख लो जरा यहां पे देख लो, तो ये CH3OH बन जाएगा। मतलब कि ये रहा मेरे पास CH3 और ये रहा मेरे पास OH। ये जो CH3OH बनता है बच्चे, इसके अंदर OH कहां पे है, पीछे से अटैक किया। पीछे से अटैक करने वाले को हम बोलते हैं इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या कुछ मॉलिक्यूल ने पीछे से अटैक किया? नहीं, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल ने पीछे से अटैक किया, मतलब 100% इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मेरे ख्याल से मैकेनिज्म एकदम क्लियर है, मैकेनिज्म बच्चे एकदम क्लियर है। अब आपको मैं थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन देता हूं और फिर इसके आगे क्या लिखना होगा वो मैं आपको नीचे लिख के लिखा था। हालांकि लिखना ये होता लेकिन मेरे पास जगह नहीं, तो मैं ये वाला पार्ट इरेज करूंगा थोड़ा सा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो जरा सी वाला पार्ट जरा देखते हैं पूरा अच्छे से। दिस इज वन स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म इन मिथाइल ब्रोमाइड। CH3 एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड Br एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज। मतलब OH भी क्या है बच्चे तुम्हारा, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, हेंस न्यूक्लियोफाइल OH कैन नॉट अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड, इसलिए वो सामने से अटैक नहीं कर पाता है। Therefore, nucleophile OH minus approaches to the carbon atom side away from the bromine atom. इसीलिए वो वहां से अटैक करेगा जहां से ब्रोमीन क्या होता है थोड़ा दूर होता है उससे, and forms highly unstable transition state. और क्या बनाएगा बच्चे, एक highly unstable transition state बनाएगा। इसके नीचे आप क्या बात करेंगे, इसके तुरंत नीचे आप इसके बारे में बात करेंगे, transition state के बारे में बात करेंगे। क्या होता है transition state में, आप बोल सकते हो कि भाई transition state एक ऐसा state होता है जहां पे कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 5 बॉन्ड होते हैं। देखो 1, 2, 3 और ये भी हो गया आपका 4, 5। सेकेंड थिंग, ये एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे OH और Br के ऊपर इक्वल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हो कि भाई इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड होता है और जो फीजन या फिर ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड होता है वो दोनों साथ साथ होते हैं, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। चलेगा, ये आपको हेल्प करेगा जब आप डिस्टिंग्विश करेंगे SN1 और SN2 का। तो मेरे ख्याल से यहां तक एकदम क्लियर है। मैं जरा ये रफ करता हूं आपको समझाने के लिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पॉज करके आराम से आप लिख सकते हैं सब चीजें, कोई टेंशन नहीं है। जो मैंने अभी बताया बच्चे, इस चीजों को भी अच्छे से सुन लो और आप लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जरा ध्यान देना यहां पे। इसके आगे का पार्ट मैं ऊपर लिखता हूं ताकि हर एक चीज क्लियर हो जाए, हर एक चीज आए बच्चे। इसके नीचे मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजिशन स्टेट जैसे वर्ड आपका इंट्रोड्यूस होगा वैसे ही आप किसके बारे में बात करेंगे, वैसे ही आप ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। आप बोल सकते हो कि द सेंट्रल कार्बन बेसिकली मेकिंग 5 बॉन्ड, तो इसको मतलब पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप बोलेंगे कि भाई इन ट्रांजिशन स्टेट द कार्बन बेसिकली मेकिंग 5 बॉन्ड, दैट इज पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलेगा, पॉइंट नंबर सेकंड आप बोलेंगे इन ट्रांजिशन स्टेट नेगेटिव चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बोथ OH एंड Br माइनस। चलेगा, OH माइनस एंड Br माइनस, मतलब दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, इन द ट्रांजिशन स्टेट द फ्यूजन ऑफ CBr बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। जो मैंने बोला है बच्चे उसको आराम से पॉज कर करके लिख लेना, किसके नीचे, ट्रांजिशन स्टेट के नीचे। और उसके बाद आएगा आपका रिएक्शन जो मैं अब दिखाने जा रहा हूं। कौन सा रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, एक ही रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि भाई ये एक ही स्टेप का रिएक्शन है, आपने पढ़ा था यहाँ पे वन स्टेप का रिएक्शन है। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे अच्छे से लिख रहा हूं, यहाँ पे जगह मेरे पास है सफिशियंट। इसमें ये OH माइनस अटैक करता है लेकिन ये पहले क्या बन जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। दिख रहा है आपको, तो यहां पे ये क्या बन गया बच्चे, माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। चलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा लिखता हूं मैं स्पेलिंग से, तो ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये बॉन्ड आपका परफेक्ट बन जाएगा और यहां से Br माइनस बाहर चला गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल विथ इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, विथ इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। कोई डाउट है बच्चे तो बोलो मुझे, कोई डाउट है तो बोलो मुझे। और जैसे ये लिखेंगे आप कंटेंट उसके नीचे, फिर लास्ट में बताएंगे एज OH माइनस अटैक्स ऑन मिथाइल ब्रोमाइड देन आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट इट फॉर्म मिथाइल अल्कोहल
विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन चलेगा। तो सिंपल लास्ट में आपको सिर्फ एक फाइनल कंक्लूजन बोल सकते हो, लिखना होगा आपको। बच्चे जैसे बोर्ड एग्जाम लिखना है मैं पूरा वैसे ही बता रहा हूँ, तो कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट कंटेंट आ रहा है आपका, सी खत्म हो गया, अब आने वाला है नंबर डी वाला पार्ट। नंबर डी क्या है बच्चे? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। हालांकि इस सिलेबस में आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम नहीं दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो इस साल आपका जो टेक्स्ट बुक चेंज हो गया है उसमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम नहीं है। लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं आप जेई के लिए, नीट के लिए भी जाते होंगे, बहुत से लोग होंगे जो जेई और नीट के लिए भी जाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई क्या है ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एग्जाम में पूछा जाएगा तो लिख लेना, नहीं पूछा जाएगा तो मजे कर लेना। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है बच्चे, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है, छोटा सा एक ग्राफ बनाना होता है, छोटा सा एकदम। कैसे ग्राफ बनाते हैं, क्या है, मैं सब सिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे नंबर डी वाला पार्ट है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लो। चलो जरा देख लेते हैं फटाफट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये नंबर डी वाला पार्ट होने वाला है। चलो रेडी, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा और रफ कर दूं जरा मैं, क्लीन जितना रहेगा उतना अच्छा होता है। चलो तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये नंबर डी वाला पार्ट है, मैं यहां पे लिखता हूं आपके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये इस सिलेबस में, अभी वाले सिलेबस में, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए होता क्या है, आप रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हो। किसे किसे, यहां पे आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो बेसिकली आप एनर्जी ले रहे हो, और यहां पे लिखेंगे आप रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को देखो और ग्राफ बनाओ। तो भाई आपका ये रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट को मिलाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे, तो यहां से स्टार्ट करो। एनर्जी कब तक देते हैं हम लोग, एनर्जी हम तब तक देते हैं जब तक कि वो कहां ना पहुंच जाए, ट्रांजिशन स्टेट ना पहुंच जाए, और एक बार वो यहां पे पहुंच जाता है तब हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि SN1 और SN2 ये दोनों रिएक्शन बच्चे एक्सोथर्मिक होते हैं, रिएक्शन में हीट देनी नहीं पड़ती हमें, बल्कि इसमें से हीट बाहर निकलता है। ये आपको ग्राफ के थ्रू पता चलेगा, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूं, बहुत रेयर केस में वो जगह भी मिलता है। SN1 SN2 ये दोनों बच्चे रिएक्शन जो होते हैं ये हमेशा याद रखना है, इनमें एनर्जी बाहर निकलती है, हीट एनर्जी बाहर निकलती है। चलो जब देख लो, तो आप क्या करने वाले हो अभी, यहां से आपने एनर्जी देना स्टार्ट किया, मतलब ये रिएक्टेंट हो गया आपका, तो यहां पे लिख दो CH3BrOH-, ठीक है, ये रिएक्टेंट है। एनर्जी देना स्टार्ट किया, पीक पे पहुंच गया, यहां पे जाके एनर्जी आप देना स्टॉप कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका ट्रांजिशन स्टेट। अब जैसे एनर्जी देना स्टॉप करेंगे, इसका मतलब नहीं कि एनर्जी देना स्टॉप किया तो रिएक्शन रुक जाएगा, नहीं, अब रिएक्शन होगा लेकिन बहुत सारा हीट बाहर निकलेगा। तो यहां से यहां तक को हम बोलते हैं कि भाई हमने हीट सप्लाई किया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा ई, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेट करने के लिए लगने वाला एनर्जी। और ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं डेल्टा एच, क्या बोलते हैं, डेल्टा एच, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, चलेगा। तो जैसे अगर आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर मान के चलो कि ये 0 है, ये 50 है, ये 100, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये 150 है, ये 200 है, ठीक है, और वैसे ही करते करते ये 1000 आ गया। तो मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो कि मैंने 200 से एनर्जी देना स्टार्ट किया, ध्यान देना बच्चे, 200 से मैंने एनर्जी देना स्टार्ट किया, कहां तक गया मैं, 1000 तक गया, मतलब कितना मैंने एनर्जी दिया, मैंने एनर्जी दिया है अप्रॉक्सीमेटली 800 तक, मतलब मैंने 800 जूल जो है बच्चे मैंने एनर्जी दिया। अब 800 मैंने यहाँ पे एनर्जी दे दिया, उसके बाद मैंने एनर्जी देना बंद कर दिया, तो मैं क्या देखता हूँ कि उसका जो हीट अमाउंट है अब यहाँ से यहाँ तक पूरा फॉल हो गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक तो मुझे पता है कि ये 200 है, सॉरी 800, तो ये 800 तो जो मैंने दिया था वो बाहर निकल गया, उसके अलावा 2 से लेके 100 तक, देखो यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 100 है, मतलब कि ये इतना एनर्जी और ज्यादा बाहर निकला है, दिखाई दे रहे हैं। और ये जो आएगा यहाँ पे आने वाला है प्रोडक्ट, क्या आएगा बच्चे, फाइनल प्रोडक्ट, कोई डाउट है किसी को? इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन होता है या ये जो SN2 या SN1 मैकेनिज्म होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, कोई डाउट है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो SN2 मैकेनिज्म है एकदम अच्छे से सेट हो गया रहेगा माइंड में। एक चीज जो आपने देखा होगा कहीं पे यूज नहीं हुआ वो है कि भाई पोलर अपोटिका सा कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है। बच्चे जब SN1 SN2 में पढ़ा लूंगा तो उसके बाद आएगा इन्फ्लुएंसेस, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से SN1 SN2 मैकेनिज्म कम ज्यादा होता है, तब वहां पे आपको आएगा कि भाई पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक, तब मैं आपसे मिलूंगा कि भाई पोलर अप्रोटिक क्या होता है, तब आपको बोलना पड़ेगा कि भाई जो एसीटोन था या वैसे कुछ कंपाउंड जिनके अंदर बेसिकली आप बोल सकते हो कि प्रोटॉन नहीं होता उनको हम बोलते हैं पोलर अप्रोटिक,
और वो करते क्या है, वो सोडियम जैसे लोगों को पकड़ लेते हैं, प्लस वाले चार्ज को पकड़ लेते हैं और OH को रिलीज करते हैं, भाई तू जा अपना काम कर। तो पोलर अप्रोटिक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पे। अदरवाइज क्या होगा मालूम है, अदरवाइज सोडियम जो है कि एन को, सोडियम जो एन ए है वो OH को जाने नहीं देगा। जो एन ए OH होता है ना टोटल, उसमें से जो एन ए होगा, देखो यहां पे जो एन ए OH होगा, जब ये बच्चे बॉन्ड टूटेगा तभी तो OH जाकर जाएगा अटैक करेगा। ये OH कब जाएगा अटैक करेगा, पीछे से। अरे जब ये फ्री होगा, ये फ्री कब होगा, जब एन ए को कोई पकड़ के रखेगा। एन ए को पकड़ने के लिए आपने क्या लिया है, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट, क्लियर है। ये क्या करता है, उसको होल्ड करके रखता है। कैसे होल्ड करता है, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था। कोई डाउट है बच्चे, किसी को भी कहीं पर भी, कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कुछ और मिल जाए जरा इसके अलावा, बच्चे ये एकदम लास्ट कंटेंट है SN2। मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है, आप प्लीज इसको पॉज कर करके एक एक चीज को लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना अच्छे से, आपको सब कुछ एकदम क्लैरिटी बोलते ना एकदम क्लियर समझ में आएगा, चलेगा। तो इसी के साथ मैं स्टॉप कर रहा हूँ मेरा प्यारा सा चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और जल्दी से इसे अपना भी प्यारा चैनल बना लीजिए। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।